अगर आप सभी ने इन दोनों आई जेल और आई सीरम को डे एंड नाइट यूज़ किया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को अराउंड द आईज कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आने वाली है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं इनको पहले भी इसमें से एक सीरम को तो मैं पहले भी इस वाले को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, बट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डे एंड नाइट। डे वाला जेल है अंडर आई जेल एंड जो ये है वो है सीरम। तो ये दोनों, ये है इसका जेल, ठीक है, आई ऑन ड्यूटी आई जेल। अगर आप दोनों को यूज़ करते हैं, इन दोनों को अगर आप डे में जेल और नाइट में सीरम यूज़ करते हैं, तो बिलीव मी आपकी आईज़ के डार्क सर्कल, रिंकल्स, क्रो फिट, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके अराउंड द आईज़, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन यूज़ आपको इनको 3 मंथ्स करना है, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना रिव्यू दिस। तो ये है इंडल्जो का आईज ऑन ड्यूटी आई जेल, ठीक है। ये आपको डे टाइम में यूज़ करना है आफ्टर योर टोनर और मॉइस्चराइजर के बाद आपको अपनी आईज़ के अराउंड में लगाना है। बाकी सारी डिटेल्स, इसके पैकेजिंग वगैरह सब पीछे ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है, कितने मंथ यूज़ होता है, कितने का है प्राइस, वो सब आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँ। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। आपकी आंखों के आसपास की जितनी भी स्किन है वो हमारी स्किन से बहुत लाइट होती है और बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए जेल स्पेशली बनाया गया है। आपके अंडर आई अगर डल है, ये इसको लाइटन अप करता है, डार्क सर्कल और फाइन लाइंस पे काम करता है, इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द आईज और जो भी पफिनेस है उसको भी खत्म करता है, और ये प्रिवेंट करता है डिजिटल एजिंग, जो कि सामने से दिख रही होती है ना, अगर आपने इसको 3 मंथ्स यूज कर लिया तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएंगी। इसकी गारंटी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप इन दोनों पे अगर स्टिक करेंगे ना, आपको सच में इन फ्यूचर किसी भी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी आईज के लिए। और अगर बात करें इनके की इंग्रेडिएंट्स की, वो हैं बियर बेरी एक्सट्रैक्ट जो कि साइन ऑफ एजिंग में हेल्प करता है इनको रिड्यूस करने में, ग्रीन कॉफ़ी है जो कि डेड स्किन सेल को रिमूव करती है, ग्रीन टी है जो आपकी स्किन में कोलेजन की जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ाती है और फाइन लाइंस के अपेयरेंस को कम करती है, विटामिन ई है जो स्किन को ब्राइटर, लाइटर और सपल बनाती है। तो उसके इंग्रेडिएंट भी ऑसम है, आप लोगों को उसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, चाहे आप नायका पे चले जाएं, इनको हर जगह इनको 5 स्टार 5 आउट ऑफ 4 इस तरह की रेटिंग इनको मिली है। प्रोडक्ट ऑसम है, आप लोगों को सेकेंड थाट लाना ही नहीं चाहिए। अगर आप 25 से अबव हैं तो ये प्रोडक्ट आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए डे टाइम में, ठीक है। और कैसे यूज़ करना है, फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, या मॉइस्चराइज़र के पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का आता है, ये थोड़ा सा क्रेम फॉर्म में है, थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है और एकदम से आपकी स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाता है। यूवी रेज में निकल रहे हैं विंटर में, चाहे समर में अंडर आई को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, वरना जब फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो जाती है ना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं इंडल्जो की रिज्यूविनेटिंग आई सीरम की। तो इस सीरम को मैंने कम से कम अपनी वीडियो में बहुत बार दिखाया। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और मेरा स्किन केयर देखेंगे, उसमें ये होगा ही होगा। मैं इसको 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे स्विच करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि डार्क सर्कल्स तो ये पढ़ने नहीं देता, जबकि मैं इतना मोबाइल देखती हूँ क्योंकि मेरा काम ही सारा मोबाइल पर होता है, और तो भी उसके बावजूद मेरे को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने इसको कभी भी स्किप नहीं किया। तो ये सीरम क्या करता है, आपको इसको नाइट टाइम में सबसे पहले तो अप्लाई करना है, ठीक है। आपका स्किन केयर में इसको आपको रखना है, रात को फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सीरम्स जो भी हैं जो आप अप्लाई करते हैं वो आप लगा लीजिए, इसको लगा लीजिए और मॉइस्चराइजर से लॉक कर लीजिए। ये क्या काम करता है, ये हेल्प करता है फाइन लाइन को, पफीनेस को और डिसकलरेशन जो भी आपकी अंडर आइज में आ जाती है, इनहेंस करता है फर्मनेस को अराउंड द आइज
और जो आपको क्रो फीट्स बनते हैं, मुझे स्पेशली बनते थे और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखता है, तो ये सीरम तो बेस्ट सीरम है ही है, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। ये तो आपको आपके स्किन केयर में रखना ही चाहिए। इसके की इंग्रेडिएंट हैं कैस्टर ऑयल, जो कि आंखों की पफिनेस को दूर करता है। कैस्टर ऑयल में क्या होता है, कैस्टर ऑयल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हेल्प करता है आईज़ की स्वेलिंग को और लाइट करता है अंडर आई की स्किन को, हाइड्रेट करता है। और इसमें है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके डार्क सर्कल जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हाइड्रेट करता है स्किन को और स्मूथ करता है, तो डेफिनेटली काम करता है। मैंने इसका रिव्यू दोबारा इसलिए किया क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया और मुझे से फ़ायदा हुआ, तो अगर चीज़ अच्छी है तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी। थोड़े से ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, मगर अगर आप ले लेंगे तो ये 3-4 मंथ आराम से निकालते हैं, तो कॉस्टली पड़ते नहीं है। ये 900 का है, मगर 900 में ये आपके 6 मंथ आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लगता है, ऑयल है, पूरी रात स्किन पर रहता है और बहुत कम अप्लाई होता है। तो अब बात करेंगे कि ये कैसे लगता है आईज़ पे। इसके अंदर ये स्टोन्स दिए हुए हैं जो कि चार्ज हो जाते हैं, तो आपके ऑयल को हीट कर देते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ा गर्म करके अपने स्किन पे लगाते हो तो वो अच्छे से वर्क करता है, वो अच्छे से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब होता है और उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके स्टोन्स को आपको शेक कर लेना है, उसके बाद इसको इस तरह से रोल ऑन करना है, आपको फिंगर की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से अप्लाई हो जाता है। और ये करने के बाद अगर अपने 3 मंथ्स या 2 मंथ के बाद आप लोगों को इतने अच्छे रिज़ल्ट दिखेंगे इसके कि आपको लगेगा यस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, उसके बाद आप किसी और आई सीरम पे स्विच कभी नहीं करेंगे। और आपको ये नींद भी बहुत अच्छी आएगी क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने का मेरा मकसद यही था कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप लोग भी इनको यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो, तो आप इनको यूज़ कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को रिज़ल्ट कैसे दिखे। लेकिन आपको 2 मंथ्स तक तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।